फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैंने आप लोगों से वोट मांगा था कि जो मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूं उसके रिगार्डिंग आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में बनाऊं। तो मुझे ओवर 90% लोगों ने यस बोला है, तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मैं कोई भी डाइटिशियन नहीं हूँ और मुझे सिर्फ माइग्रेन का इशू है, अदरवाइज मुझे कोई भी इशू नहीं है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो नॉर्मल घर में चीज़ें हम खाते हैं, जो हमारा फूड होता है, उसी के साथ हम अपना वेट लॉस करेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने दो दिन के लिए रुचिता दिवेकर का जो डाइट प्लान है वो मैंने ट्राई किया था, तो उसका रिजल्ट क्या रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली मैं पहले देखना चाहती थी कि मेरी बॉडी पे जो रुचिता दिवेकर हैं उनका जो डाइट प्लान है वो कैसे काम करता है। तो ऐसा कोई एज सच कुछ ऐसा डाइट प्लान नहीं है, वो हमेशा रिकमेंड करती है कि जो आपके घर में बनता है, जो आप बचपन से खाते हैं वही खाइए, लेकिन उसके साथ कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने फॉलो की और इस डाइट को, रुचिता दिवेकर के डाइट को मैंने थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिया है। एक दो चीज़ें मैंने अपनी तरफ से ऐड की हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और देखिए क्या उसका जो रिजल्ट है वो क्या रहा। और उसका रिजल्ट देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो दो दिन मैंने क्या खाया है, क्या वेट, कितना वेट रिड्यूस किया है, किन बातों का ध्यान रखा है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई भी फूड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उससे आपको एलर्जी है या कोई और भी आपको हेल्थ इशू है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसके जगह पर आप कोई दूसरा फूड आप ले सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये वीडियो जस्ट एक होता है ना मोटिवेशन के लिए, क्योंकि जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं ना तो मेरे जैसे लेजी पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है ये। तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है कि मुझे कहीं से मोटिवेशन मिले और मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। तो आई होप कि मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है, हम करना तो चाहते हैं लेकिन एक मोटिवेशन की कमी रह जाती है। तो ये वीडियो सिर्फ उस एक मोटिवेशन के लिए ही है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, मैं मतलब स्टार्ट करती हूँ अपनी डाइटिंग, फिर बीच में अरे छोड़ो यार कुछ ऐसा हो जाता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ। बट जब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना जो ये जर्नी है वो स्टार्ट करूँ, तो उससे ये होगा कि अगर मैं कहीं पर स्टक हो रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि नहीं मनीषा, तुमने बोला था तो तुम्हें वेट लॉस जर्नी है जो अपनी स्टार्ट करनी है, और मुझे देख करके हो सकता है कि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। तो इसीलिए इस वीडियो का पर्पस जस्ट यही है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सके अपने वेट लॉस जर्नी में। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं खाना है, जो अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी है और आप जो खाना खाते हो वो तो नॉर्मल ही है ना, उसी खाने को हमें अपने डाइट में लेना है, और वो किस तरह से लेना है वो मैं शेयर करती हूँ। और कुछ एक पॉइंट्स हैं जो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि दो दिन में मैंने जो डाइट प्लान फॉलो किया है उससे मेरा वेट की तरह रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, और किन किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है, तो वो सब चीज़ें हम मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रुचिता दिवेकर का डाइट प्लान विद अ लिटिल ट्विस्ट हम शेयर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से, और मेरा वेट है 56 kg। मैंने ये सुबह फ्रेशन अप होने के बाद अपना वेट चेक किया है, हालांकि ये रुचिता दिवेकर बिल्कुल भी फेवर में नहीं है वेट चेक करने की, लेकिन मुझे इसके बिना मोटिवेशन नहीं मिलता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल एक गिलास पानी लिया है, ये आरओ वाटर है, ना ही मैंने इसको गर्म किया ना ही कुछ मिलाया, प्लेन आरओ वाटर है। इस वाटर के साथ हमें जो अपना डे है वो स्टार्ट करना है। तो उठने के 15 मिनट के अंदर ही आपको अपना जो फर्स्ट मील है वो लेना होता है, तो या तो आप यहाँ पे हाफ बनाना ले सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 बादाम ले रही हूँ जो कि है मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे। तो सेकेंड मील में मैंने एक अंडे की ऑमलेट को लिया है एक मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ, उसके साथ मैंने पुदीने की चटनी ली है, कोई भी केचप वगैरह यूज आपको नहीं करना है। चाय के अगेंस्ट है रुचिता, बट मेरा चाय के बिना काम नहीं चलता है, तो ये चाय मैंने जो जैगरी पाउडर है उसके साथ बनाई है, और एक कप चाय मुझे अपने ब्रेकफास्ट में चाहिए। अगर आप चाय लवर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको स्किप कर सकते हैं।
ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आपको जो थर्ड मील है वो लेना है, और इसमें आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। जैसे मैंने जामुन ली है तो ये 12 से 15 जामुन है, सिर्फ इतना ही लेना है। आपको पोर्शन कंट्रोल ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। फोर्थ मील है वो है मेरा लंच, तो इसमें मैंने हाफ जो कुकम्बर है वो लिया है। आप सैलेड ले सकते हैं, इसमें सैलेड में आप टमाटर अनियन भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ कुकम्बर लिया है। एक छोटी कटोरी मैंने दही ली है, दही बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है आपके वेट लॉस में। और एक कटोरी मैंने लिया है राइस, और उसमें थोड़ा सा ही मैंने सिर्फ 2 स्पून जो खाने वाली होती है वो डाला है रायता। तो ये हो गया मेरा फोर्थ मील। लंच के 2 घंटे बाद मैं ले रही हूँ बटर मिल्क, जो दही होता है उसी से मैंने लस्सी बनाई है, जिसके अंदर मैंने जीरा और नमक डाला है। आप यहाँ पे नींबू या जो नारियल पानी है वो भी ले सकते हैं। टाइम हो गया है शाम की चाय का, तो चाय मैंने वही जेगरी पाउडर से बनाई है, और उसके साथ एक पापड़ ले रही हूँ, ये गैस पे सेका हुआ मैंने। आप इसकी जगह पर जो चने होते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई अंकुरित दालें वगैरह भी ले सकते हैं। डिनर में मैं ले रही हूँ ओट्स, और ओट्स में मैंने यहाँ पे शक्कर डाली है, मैंने चीनी नहीं डाली, या फिर आप हनी का भी यूज कर सकते हैं। ओट्स बेटर ऑप्शन होता है आपके डिनर के लिए। तो जो लास्ट मील है वो है 1 कप दूध, जिसको कि मैं काजू के साथ ले रही हूँ। तो ये रुजिता सजेस्ट करती है अच्छी नींद के लिए, तो एज पर रुजिता हमने 7 से 8 मील लिया है पूरा दिन। तो चलिए देखते हैं हम मॉर्निंग में कि हमें रिजल्ट कब मिलता है। तो नेक्स्ट डे फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपना जो वेट चेक किया, तो मेरा वेट है 55.9 kg, यानी 100 ग्राम कम हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी लाइट फील कर रही हूँ। जो ब्लोटिंग वगैरह होती थी, जो हैवीनेस था, वो आज मुझे फील नहीं हो रहा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। सबसे पहले तो मैं एक ग्लास पानी ही पीती हूँ, जैसे मैंने कल पिया था वैसे ही एक ग्लास नॉर्मल मैं RO वाटर लेती हूँ। उसके बाद मैं प्रेफर करती हूँ कोई भी डिटॉक्स वाटर, तो मेरा फेवरेट एप्पल साइडर विनेगर है, उसमें मैं 1 लेमन स्क्वीज कर लेती हूँ और साथ में गर्म पानी के साथ इसको बनाती हूँ। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर सूट नहीं करता है तो आप सिर्फ लेमन वाटर भी ले सकते हैं, उसमें हनी वगैरह ऐड ना करें, लेकिन अगर टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप हनी ऐड कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको सूट नहीं कर सकती तो मैं बताती हूँ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन क्या है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्निंग में इस ड्रिंक को लें, ये ओजीवा का ग्रीन एंड हर्ब्स मल्टी विटामिन सुपर फूड है। इसके अंदर आपको 34 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, साथ में साथ 10 इम्यूनिटी हर्ब्स भी मिलते हैं, जो आज के टाइम पे इस टाइम पे बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। साथ में आपको 8 ग्रीन्स भी मिलते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, साथ में इसमें नॉन GMO एंड ग्लूटेन फ्री है, तो ये कोई भी ले सकता है, इसको ऐसा कोई इशू नहीं है। इसको आपको जैसे नॉर्मल हम जो अपने अदर ड्रिंक बनाते हैं ना, वैसे ही इसको बनाना है। 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें 2 स्पून इसकी डालनी है, और आपको इसको एम्प्टी स्टमक ले लेना है। तो ये बहुत, वैसे तो आप दिन में किसी भी टाइम पे ले सकते हो इसको, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको मॉर्निंग में लीजिए एम्प्टी स्टमक, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। ये आपकी बॉडी को तो डिटॉक्स करता ही है, साथ में आपके डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपका पूरा जो बॉडी है वो डिटॉक्स हो जाती है। आपके माइंड के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर ग्रीन हर्ब्स है, तो जब आप इसको पियेंगे ना तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि आपने कितनी, मतलब कोई अच्छी सी चीज़ आप लोगों ने पी है। तो इसका जो लिंक वगैरह है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं मॉर्निंग में या फिर मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट से पहले इसको लेती हूँ ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर जब भी मेरा मन करता है तो मैं किसी भी पॉइंट पे ले लेती हूँ। एंड ये मेरा सेकंड बॉक्स है, आप देख सकते हैं कितना सारा मैं इसमें से ले चुकी हूँ। जो स्पून है मेजरमेंट के लिए वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी, और इसका आपको जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो 1 ईयर की मिलती है, बिल्कुल ग्रीन हर्ब्स है इसके अंदर, तो थोड़ा सा शेल्फ लाइफ भी कम ही होगी इसकी। तो आप इसको बाकी चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आपका एक हेल्थी मॉर्निंग ड्रिंक है, आप इसको मॉर्निंग में लीजिए एम्प्टी स्टमक, रिजल्ट आपको सेम टू सेम किसी और डिटॉक्स वाटर का जो होता है वो आपको मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने ब्रेकफास्ट पर। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा ले रही हूँ, क्योंकि ट्यूसडे है तो आज मैं एग नहीं ले सकती, तो पोहा भी बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन्स का। तो आप मॉर्निंग में बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ पोहा ले सकते हैं, और साथ में 1 कप जैगरी वाली जो चाय है वो मैंने ली है, ये ऑप्शनल है, आप इसके साथ दही वगैरह भी ले सकते हैं।
और ब्रेकफास्ट के 45 मिनट के बाद मैंने ली है ग्रीन टी, और ये मैं ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी लेती हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसके 1.5 से 2 घंटे बाद मैंने लिए हैं 2 प्लम और ये सीजनल फ्रूट में है। लंच में है खीरा और प्याज, साथ में घर की बनी हुई पनीर की सब्जी, रोटी और जो लस्सी है वो ली है, और जो आप मीठा देख रहे हैं वो मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ पनीर की सब्जी, रोटी और लस्सी ली है। तो ये था मेरा आज का लंच। तो लंच के 45 मिनट्स के बाद मैंने 1 कप ग्रीन टी और ली है। दिन में आपको 2 ग्रीन टी लेनी है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो आज मैंने कोई भी इवनिंग स्नैक्स नहीं लिया है, सिर्फ 1 कप चाय ली थी शाम को और उसके साथ कुछ भी नहीं लिया था। तो टाइम है डिनर का सेम जो कल टाइम मैंने फॉलो किया था, आज भी वही टाइम मैंने फॉलो किया है, लेकिन मैंने उसमें ग्रीन टी और सुबह जो अपना मॉर्निंग ड्रिंक है वो ऐड किया था। डिनर में मसाला ओट्स लिए हैं, ये पैक वाले मसाला ओट्स है, वैसे मैं इनको प्रेफर नहीं करूंगी, लेकिन आज मैं बाहर गई हुई थी और आके डिनर बनाने का कोई मूड नहीं था मेरा, तो इसलिए मैंने जो 10 रुपीज़ वाला पैकेट आता है ना ओट्स का वो बनाया है। हालांकि आप जो घर का खाना है उसी को प्रेफर करें। उसके बाद 1 कप दूध, इसको मैं स्किप नहीं कर सकती, मुझे हैबिट है दूध पी के सोने की, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आती है, तो 1 कप दूध मेरा बेड टाइम पर। और रात को सबसे लास्ट में वही ड्रिंक जो मैंने मॉर्निंग में एप्पल साइडर विनेगर और लेमन वाला लिया था, वही मैंने सोने से पहले लिया है, ये मेरा लास्ट ड्रिंक होता है पूरे दिन का। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में वेट चेक कर लेते हैं। तो आज जो मेरा वेट है वो है 50.5 kg, यानी कि ऑलमोस्ट 400 ग्राम मेरा कम हुआ है। तो 2 दिन मैंने ये डाइट प्लान फॉलो किया विद लिटल ट्विस्ट, तो पहले दिन मेरा 100 ग्राम कम हुआ और अगले दिन हुआ है 400 ग्राम। तो फ्रेंड्स मैंने 2 दिन में टोटल 500 ग्राम वेट लूज किया है, यानी 1/2 kg मैंने वेट रिड्यूस किया है। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो कमेंट्स आए थे मैं कुछ एक उनका आंसर कर देती हूँ कि जैसे बोला था कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग और मेरी एज के अकॉर्डिंग 45 जो वेट है वो कम होगा, तो जी नहीं, 45 kg मेरी हाइट है 4'11", तो उसके अकॉर्डिंग 45 ठीक है, इतना और 45-47 होना चाहिए। तो 45 का टारगेट मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं थोड़ा सा और कर पाऊँ, 47 अगर मैं टारगेट रखूँगी ना तो मैं 50 पे रुक जाऊँगी, और 45 इसलिए रुका है कि ताकि 47-46 हो गया तो ठीक है, मैं 45 का टारगेट लेके चलती हूँ। तो 45 मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, और एज का भी कोई मैटर नहीं करता है, ये आपका बिल्कुल नॉर्मल है, आप कर सकते हो। क्योंकि हम डाइटिंग, वो वाली डाइटिंग जो एकदम होती है ना, वो डाइटिंग नहीं करने जा रहे हैं, हम हेल्दी खाना खा करके ही अपना वेट लूज करेंगे, कहीं भागना नहीं है। मैंने जो टारगेट रखा है वो मैंने 3 महीने का रखा है कि 3 मंथ्स में मुझे अपना जो 10 kg के अराउंड जो वेट है वो लूज करना है, तो मेरी एज के अकॉर्डिंग ये ठीक है। दूसरा, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, सिर्फ माइग्रेन है, और माइग्रेन का एक ही रीज़न होता है, वैसे तो बहुत सारे फूड होते हैं उसमें जो आपको, जैसे जो एसिडिटी बनाते हैं वो फूड आपको अवॉइड करने होते हैं, और पैक्ड फूड या जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं वो वैसे भी मैं नहीं पीती हूँ, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, तो उसके लिए हम अपना जो नॉर्मल फूड है वो लेंगे, प्लस हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे कि जो होगा हमारा वेट वो एक हेल्दी वे में लूज होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि मेरी बॉडी पे फैट नहीं है, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा सिवाय मेरे टमी और मेरे बैक पे। तो मेरा टमी और मेरा बैक एरिया है, जो हिप एरिया है मेरे, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा वेट है, जो 10 किलो कम करना है वो मुझे इन्हीं एरिया से करना है। लेकिन आप अपनी बॉडी में कोई भी टारगेटेड एरिया नहीं बना सकते कि सिर्फ मुझे टमी लूज़ करना है या हिप लूज़ करने हैं, उसके लिए मुझे ओवरऑल अपना वेट कम करना पड़ेगा, तो ही उन पे जा कर के असर होगा। तो इसीलिए मुझे जो 10 kg कम करना है वो ओवरऑल कम होगा, बट अगर मैं उसके एक हेल्दी वे से करूँगी विद एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट के साथ, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ये मेरा मानना है, आगे देखते हैं कि क्या रहता है। और रही किसी डाइटिशियन से बात करने की, तो देखिए मैंने 1-2 बार मैंने ट्राई किया है डाइटिशियन से, मैंने लिया भी है, मैंने फीस भी दी है उनको, बट वो मैं नहीं फॉलो कर पाई, क्योंकि उनकी जो डाइट होती है ना वो मैं बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनका कुछ एक होता है ये खाना है आपको, ये नहीं खाना है, उस चीज़ों को मतलब मैं, वो एक मेरे माइंड में आ जाती है और मैं उनको कर भी नहीं सकती हूँ, वो चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है।
और एक फैमिली में रहते हुए एक इंडियन वुमेन के साथ ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ अलग बनाऊँ, मेरे दो बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग, हस्बैंड के लिए अलग बनाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो मैं वेट लूज़ करूँगी, मैं उसी खाने के साथ वेट लूज़ करूँगी जो कि मेरी पूरी फैमिली के लिए बनता है। और यही बात रुचिता दिवेकर भी कहती हैं कि आपको कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप स्टार्टिंग से बचपन से खाते आ रहे हैं, आपकी फैमिली में बन रहा है, उसी को खा करके आप वेट लूज़ कर सकते हैं। तो ये थे मेरे सारे पॉइंट्स, और कुछ एक पॉइंट्स अगर रह गए होंगे तो मैं फिर नोट डाउन कर लूँगी, क्योंकि मुझसे ना वो स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनती है, जो मेरे माइंड में आता है, जो चीज़ होती है वो मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अगर कुछ एक और होगा तो मैं जो पॉइंट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और वीक में एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वेट लॉस पे, जिसमें कि पूरा मैं वीक का जो डाइट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो डाइट प्लान मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लास्ट में फिर से, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम अ इंडियन मॉम, मॉम ऑफ टू किड्स, तो एक नॉर्मल सी फैमिली, नॉर्मल सा खाना, तो उसी के साथ हमें करना है, क्योंकि जो डाइटिशियन वाला होता है ना वो नहीं हो पाता है, मुझसे तो वो नहीं होता है। तो मैं दो या तीन बार ऐसा कर चुकी हूँ, फीस दे चुकी हूँ डाइटिशियन से, और दो दिन मैक्स, दो दिन मैं करती हूँ फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने रुचिता दिवेकर को देखा है, मतलब उनकी जो वीडियोस है वो देखी और वो मुझे अच्छा लगा, और ये जो लिटिल ट्विस्ट मैंने डाला है उसके साथ मैं अपना जो डाइट प्लान है वो कंटिन्यू करूँगी। तो मैं 25th से इसको कंटिन्यू करने जा रही हूँ, अभी तो दो दिन का मैंने ट्रायल लिया था, तो 25th से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और पूरा वीक करने के बाद मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उसके लिए रियली सॉरी, बट ये कुछ एक पॉइंट थे, और फिर भी अगर आपको कुछ आप पूछना चाह रहे हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये आप, ये वाला भी आप दो दिन आप ट्राई कर के देख सकते हो अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, जैसे PCOD है या किसी को थायराइड है तो उसमें क्या चीज़ें नहीं खानी है वो उसको पता होता है, कि उसको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो वो उनको पता ही होता है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करके उसके अकॉर्डिंग अपना बना सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलती हूँ, और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर लेना, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।